नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार हमारे आपके अपने YouTube चैनल देव समाचार में। दोस्तों, आज हम आपको गांव झंडा के महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह मंदिर नेशनल हाईवे साढ़ोरा काला आम बिलासपुर शाहबाद रोड के ऊपर है। यह नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के ऊपर मंदिर है। हम आपको इसकी सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, यह मंदिर महाभारत कथा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कहते हैं कि भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती के साथ बैठकर एक समय युद्ध देखा था महाभारत का, तो उसके लिए आपको हम सारी जानकारी देंगे विस्तृत। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ सर शिव भक्तों की लाइन लगी हुई है। नीचे से कम 2000-3000 शिव भक्त जैसे भी हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं लाइनों में भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ सुबह से ही दर्शनों की लाइनें लग जाती है और शाम तक शिवरात्रि के दिन यहाँ पर लाइनें लगी रहती है। दोस्तों, ये देखो शिव भक्त जो कि लाइनों में लगे हैं भोलेनाथ जी के दर्शनों के लिए, धूप में खड़े होकर देखो इनकी शिव भक्ति। यह कोई छोटा मोटा धाम नहीं है, यह बहुत प्राचीन मंदिर, बहुत यहाँ पर जो भी आता है उसकी मान्यता पूर्ण होती है। यह बहुत अच्छा मंदिर है। दोस्तों, ये इसका ऊपर का दृश्य है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो सामने आपको ट्रैफिक चमक रही है, ये नेशनल हाईवे साढ़ोरा शाहबाद कालेआम रोड की है। ये दोस्तों सामने गांव चमक रहा है, गांव झंडा है। ये दोस्तों जो नीचे है ये पार्किंग है जहां पर सभी गाड़ियां खड़ी हुई है, नीचे से घूम कर रास्ता आता है। ये गांव झंडा, ये गांव असगरपुर, ये वो थोड़ा झंडा से पड़ले वो है दोस्तों रसूलपुर, और वो थोड़ा सा उधर जो पेड़ों के बीच में दिख रहा आपको वो है गांव हवेली, वो शायद गांव महमदपुर। ये इधर जो यमुनानगर, आज तो मौसम थोड़ा धुंधला है दोस्तों, आज तो आपको नहीं दिख सकता। वैसे यहाँ से कई बार जब मौसम बारिश का होता है, मौसम साफ़ होता है, तब यहाँ से आपको ये यमुनानगर सर छोटू राम थर्मल पावर की जो लाइटें वगैरह हैं, जो उनकी ऊंची ऊंची चिमनी है वो दिख जाती है। और यहाँ से दोस्तों आप जो इधर की तरफ देखें, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वो सामने देखो जहाँ पर ये डीजे का है, इसकी तरफ जो आपको बिल्डिंगें चमका रही वो शहर नारायणगढ़ है, जो काफ़ी बड़ा शहर है। ये सामने जो आपको सड़क नज़र आ रही, ये नेशनल हाईवे काला आम बिलासपुर, ना काला आम शाहबाद नेशनल हाईवे है। दोस्तों, ये प्राचीन शिव मंदिर लोगों की श्रद्धा देखो, हजारों की तादाद में भीड़। ये आसपास के गांवों से दूर दूर से लोग आए हुए, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। सामने वो जो आपको दिख रहा है एक, वो वहां पर सामने शायद आपको चमक रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। दोस्तों, यहां पर हनुमान जी की एक प्रतिमा है जो आपको लाल लाल पेड़ के बीच में दिख रही, वो हनुमान जी की। मैं थोड़ी देर में आपको वहां पर लेकर जाऊंगा, वहां दिखाऊंगा। दोस्तों, ये हवन कुंड है, आज यहां पर सुबह हवन किया भोले के भक्तों ने। गांव झंडा से क्या मनोहर दृश्य है, हरियाली। आज मौसम भी थोड़ा ठंडा है, सुबह बारिश हुई हमारे इलाके में। यहां पर ये देख सकते हैं, ये इसकी बैक साइड में दोस्तों औद्योगिक नगरी काला आम की, जो ये आपको ब्लू रंग की टीनें दिख रही हैं, फैक्ट्रियाँ हैं जो कि औद्योगिक नगरी है काला आम। वो दोस्तों आपको एक गांव और चमकरा, मैं शायद उसके बारे में आपको सही नहीं बता सकता। एक गांव इधर है, ये बहुत ऊंचाई पे मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। वो सामने आपको नारायणगढ़ दिख रहा है। शिव भक्त
शिव भक्तों को प्रसाद देते हैं, जो मंदिर से शिव भक्त दर्शन करके बाहर आ रहे हैं उनको शिव भक्तों को प्रसाद दे रहे हैं शिव भक्त। दोस्तों यह पूजा सामग्री चढ़ाई जाती है, यहाँ पर धूप बत्ती वगैरह दिया वगैरह दीप दान किया जाता है। बाप जन्म के कट जा बंदे हो जा शिव की माया, ओम नाम सतरंग ऋषि ने गुफा अंदर गाया, चार दिना के शेर पैर ने सही रूप बनाया, ओम नाम का सिमरन कर ले बंदे हो जा शिव की माया, कट जन्म के मिट जा बंदे हो जा शिव की माया। बोल सच्चे दरबार की जय। ये शिव भक्त शिव भक्तों को प्रसाद देते हुए जरूर बनाएंगे आपकी भी। दोस्तों यहाँ पर दो गांव की कमेटी है, गांव निजामपुर और गांव झंडा। गांव निजामपुर के शिव भक्त और गांव झंडा के शिव भक्त यहां पर सेवा करते हैं। देखो कितने शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए। प्रणाम करो इन शिव भक्तों को। हर हर महादेव, जय जय सीताराम। दोस्तों ये गांव निजामपुर और गांव झंडा के शिव भक्तों को पानी देते हुए, जो लाइनों में खड़े हैं जिनको प्यास लग रही है उनको पानी पिलाते हुए शिव भक्त। शिव भक्त भोले के जयकारे लगाते हुए शिव भक्त भोले के जयकारे लगाते हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइनों में। देखो दोस्तों कहां तक लेने लगी हैं अपनी बारी का इंतजार। शायद इनको 3 घंटे लग जाएं, 4 घंटे लग जाएं अपनी बारी के इंतजार में। आप दूर तक देख सकते हो, महादेव के मंदिर के दर्शन करो। आज अंदर तो जाना नहीं हो पाया बहुत भीड़ के कारण, फिर आपको दोबारा इस मंदिर के दर्शन कराएंगे। चलो आपको अब बजरंग बली के दर्शन कराते हैं वहाँ पर। यह मंदिर का मुख्य नीचे का प्रांगण है जहाँ पर गाड़ी खड़ी हो जाती है आके। आज यहाँ पर शिव भक्तों के लिए भंडारा चल रहा है, जो आज भी चलेगा और कल भी चलेगा। वैसे कल मुख्य रूप से भंडारा गांव नहीं, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर सतकुंभा मंदिर है, जहाँ पर भोलेनाथ जी ने अपना करमंडल फोड़ के पानी निकाला था, उस जगह के दर्शन आपको कल करवाएंगे। वहाँ पर भी एक सुंदर मंदिर है, वो भी दोस्तों हरियाणा में है। ये सारी पहाड़ियाँ बिल्कुल हिमाचल की सीमा के नज़दीक शिवालिक श्रृंखला हरियाणा में है। प्रशासन के लोग लाइनों को ठीक कराते हुए, श्रद्धालु अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी दर्शन कर लिए हैं मंदिर से, अब ये बाहर अपने साथियों का इंतजार करते हुए। शुरू मेरे बाबा तेरी है रही जय जयकार।
रटते रटते नाम तेरा माँ मैं दीवाना हो गया, जपते जपते नाम तेरा माँ मैं दीवाना हो गया। माता मेरी शेरां वाली, दाती मेरी ए दाती मेरी पहाड़ां वाली, मैं तो दीवाना हो गया। जपते जपते नाम तेरा माँ मैं दीवाना हो गया, जपते जपते नाम तेरा माँ मैं दीवाना हो गया। आया माता तेरा चैत महीना, आया माता तेरा हे आया माता तेरा चैत महीना, आया माता तेरा चैत महीना, सब भक्तों ने पाया दर्शन कीना, सब भक्तों ने पाया दर्शन कीना। माता दी मन भामदा, जपते जपते नाम तेरा माँ मैं दीवाना हो गया। देखो हमारे भारत के जो ढोल बजाने वाले भी है उनमें कितनी कला है, कितना सुंदर भजन प्रस्तुत करते हैं। इनकी आवाज़ देखो, ये इनकी कला यहीं पर विलुप्त हो जाती है, इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। ये बेचारे अपना ढोल ही बजा रहे, वैसे जो ये कुछ करें तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत माता रानी का भजन गाने के लिए। बोलो ना बेटा, मत दुआ करे। 10 रुपए में पास भी करा रहे और जो है महल भी पुआ रहे, सबसे अच्छा साधन है। YouTube पर जा रही है, YouTube पर जा रही ये शिव भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं, शिव भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था। दोस्तों गाड़ी यहाँ तक आती है, इससे आगे नहीं जाती, इससे आगे जो है पैदल जाना पड़ता है। आज तो मेले की भीड़ के कारण गाड़ी नहीं आ सकती, पर आप 12 के 12 महीने कभी भी आ सकते हैं। वैसे आपको सोमवार को यहाँ पर काफ़ी देखने को भीड़ मिल जाती है। ये देखो दुकानें। हाँ बेटे, सेल्फी स्टिक कितने की जी? ये सेल्फी स्टिक नहीं है, ये ट्राइपॉड है। ये किन्नू के जूस की दुकान। ये भंडारे का मुख्य प्रांगण है, शिव भक्त भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हुए। इस भंडारे की व्यवस्था गांव झंडा के लोग और गांव निजामपुर के लोग, उनकी सेवा समिति, उनकी कमेटी इसका व्यवस्था करती है। ये गांव झंडा और गांव निजामपुर के जो कमेटी के मेंबर हैं, लोगों को भंडारा देते हुए। देखो कितनी भीड़ है। ये गांव निजामपुर के जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबको प्रणाम करते हुए, इनका प्रणाम स्वीकार करो। वाह जी वाह, बच्चों को क्या चाव फोटो खिंचवाने का, जय हो छोटे छोटे बच्चे मन के सच्चे। दोस्तों जय श्री राम। अब हम दोबारा महादेव
के मंदिर से होकर बजरंगबली जी के मंदिर में आए। जो बजरंगबली जी की प्रतिमा है यह बिल्कुल एकांत में है। दोस्तों वहां से तो हम अभी आए वो मंदिर जहां पर लोगों की भीड़ है शिव भक्तों की अपनी बारी का इंतजार करते हुए। और ये नीचे जहाँ पर धुआं उठ रहा ये वो जगह है इस बड़ के पेड़ के नीचे पीपल के, ये बड़ के पेड़ के नीचे पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ पर धुआं उठ रहा है यहाँ पर भंडारा चल रहा है। ये वो मंदिर है जहाँ पर शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए। चलो आपको रामदूत श्री हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। जय बजरंगबली, रामदूत श्री हनुमान जी, संकट मोचक हनुमान। एक यही देव ऐसे हैं जो धरती पर साक्षात प्रकट होते हैं। ये त्रेता युग में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी थे। इनको माँ सीता का आशीर्वाद है। जहाँ पर भी राम कथा होती है राम जी के भक्त होते हैं, राम जी का गुणगान होता है, ये उस जगह अपने आप ही पहुंच जाते हैं। इनको जो सबसे प्रिय है वो राम नाम है, सीता राम का नाम। ये किसी चीज़ से प्रसन्न नहीं होते, बस एक ही चीज़ से प्रसन्न होते हैं, वो है सीता राम जी का नाम। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? मेरे पास जैसी बनानी आई दोस्तों मैंने अपने मन से वैसी वीडियो बनाई। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। और जो किसी को कोई वीडियो बनवानी हो अपने मंदिर की, आसपास की, किसी देवस्थान की, तो वो मुझसे मेरे नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर लेकर मेरे नंबर से संपर्क करके वीडियो बनवा सकता है। मैं आपकी सेवा में सदा उपस्थित रहूँगा। दोस्तों कोई मेरे से भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। कोई यहाँ के इतिहास के बारे में मैं जानकारी नहीं दे पाया। मेरे पास दोस्तों जैसी वीडियो बनी मैं बना दी, तो आप बस एक छोटा काम करना, मैंने आपके महादेव की वीडियो बनाई तो आप मेरे चैनल को बस एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। जय सीताराम, हर हर महादेव।